तो आज हम हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन पे बात करने वाले हैं। हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करते समय हम लोगों को जो देखने की जरूरत है वो है कि भैया S1, S2 जैसे नॉर्मल हार्ट साउंड किस तरीके से ऑडिबल होते हैं, उन्हें कहां ऑस्कल्टेट करना चाहिए, एग्जैक्टली एनाटॉमी क्या है चेस्ट पे, क्या वो लैंडमार्क है जहां पर मैं aortic wall, pulmonary wall, tricuspid wall या mitral wall को ऑस्कल्टेट करूंगा। इसी के साथ इस S1 S2 को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, जैसे आप लब डब ये नॉर्मली बोलते हो तो S1 साउंड्स एज लब, S2 साउंड्स एज डब, बट इन्हें जब ऑस्कल्टेट करते हैं उस वक्त ये बहुत रैपिड सक्सेशन में आते हैं, तो इन्हें डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी होता है, वो हम देखेंगे। तो नॉर्मल हार्ट साउंड कैसे ऑस्कल्टेट, कहां ऑस्कल्टेट किए जाएंगे, उसके अलावा एडिशनल हार्ट साउंड लाइक S3 S4 ये कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा हार्ट साउंड्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उस पे बात करेंगे, वो किस तरीके से ऑस्कल्टेट किए जाते हैं वो देखते हैं, और एट द एंड एबनॉर्मल हार्ट साउंड जिसे हम लोग मर्मर्स कहते हैं वो कैसे और कहां ऑस्कल्टेट करने चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम जब कर रहे हैं तो हमारा तो ऑस्कल्टेशन का जो एम है वो ये है कि भैया जब मैं स्टेथोस्कोप रख रहा हूं S1 S2 को सुन रहा हूं तो वो रिदम रेगुलर है कि नहीं वो मैं देखना चाहता हूं, है ना, रिदम रेगुलर है कि नहीं, मुझे जो सुनाई आ रहा है S1 S2 वो रेगुलरली आ रहा है कि इररेगुलरली आ रहा है। सेकंड एम है कि भैया हार्ट वॉल जब क्लोज होते हैं तब जो साउंड हो रहे हैं यानी S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ व्हाट, माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, S2 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ aortic एंड पल्मोनरी वॉल। तो ये हार्ट वॉल्स जब क्लोज होते हैं तब जो नॉर्मली साउंड्स आते हैं जिसे मैं S1 और S2 बोलता हूं ये नॉर्मली किस तरीके से ऑडिबल होते हैं वो देखूंगा, एडिशनल साउंड जैसे मैंने कहा S3 S4 वो मैं देखूंगा। तो हार्ट वॉल्स कैसे क्लोज हो रहे हैं, नॉर्मली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई एडिशनल साउंड है, ये मैं एम कर रहा हूं ऑस्कल्टेशन के वक्त। तो पहले तो हम देखते हैं कि भैया एनाटॉमी क्या है, है ना, कहां पर मुझे हार्ट साउंड्स ऑस्कल्टेट करने हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहां पर आपको ये आपका स्टर्नल नॉच नजर आएगा, ये स्टर्नल नॉच के नीचे जैसे आप जाते हो तो थोड़ा सा एक बोनी प्रोमिनेंस यानी आप जिसे स्टर्नल एंगल कहते हो, दिस इज योर स्टर्नल नॉच, ये थोड़ा सा बोनी प्रोमिनेंस जिसे आप स्टर्नल एंगल कहते हो या इसी को एंगल ऑफ लुइस कहा जाता है ना, यहां आपकी सेकंड रिब अटैच होती है, आप सबको पता है यहां पर आपकी सेकंड रिब अटैच होती है, और इस सेकंड रिब के जस्ट नीचे जो स्पेस है वो आपकी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस रहेगी, है ना। तो इस सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ये राइट साइड ऑफ स्टर्नल बॉर्डर पे आपका पहला एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन रहेगा जो aortic होता है, जस्ट राइट ए हुआ ओवर हियर ए, aortic वॉल को यहां पे ऑस्कल्टेट करना है। उसके अलावा इसी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में बट ऑन लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, दिस इज राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, नाउ यू आर मूविंग टू लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, यू आर गोइंग टू ऑस्कल्टेट फॉर पल्मोनिक एरिया, है ना। तो aortic एरिया पल्मोनिक एरिया को मैं यहां ऑस्कल्टेट करूंगा। उसके बाद ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के बाद यहां अराउंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, है ना, इस थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में पल्मोनिक वॉल के नीचे, है ना, यानी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे ही पल्मोनिक वॉल के नीचे एक अर्ब्स पॉइंट या अर्ब्स एरिया होता है। एक्चुअली ये अर्ब्स एरिया जो होता है ये आपके हार्ट का सेंटर है, ये जो हार्ट का अपेक्स होता है नीचे की तरफ, बेस होता है ऊपर की तरफ, तो अर्ब्स पॉइंट इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ अपेक्स एंड बेस जो कि थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में है। ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम aortic पल्मोनिक वॉल देख चुके हैं, इसके अलावा जब हम नीचे जाएंगे तो ये थर्ड भी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, माने अर्ब्स पॉइंट के नीचे वाले इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे आपका ट्राइकस्पिड एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है, ट्राइकस्पिड एरिया होता है, ठीक है। अब बात आती है माइट्रल वॉल के लोकेशन की, तो इनके लोकेशन में हम देखते हैं कि मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको जाना है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस यानी एक इंटरकॉस्टल स्पेस नीचे अराउंड हियर, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में आपका माइट्रल एरिया होता है, है ना, विच इज अपेक्स। सी ये जो अपाइकल पॉइंट होता है माइट्रल एरिया इज द व्हाट, अपेक्स का सबसे लैटरल मोस्ट पॉइंट हो गया वो, तो ये अपेक्स बीट यहां पे ऑडिबल होती है ना, इसे आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स भी बोलते हो, जहां पे माइट्रल वॉल का एरिया है जहां हम लोग ऑडिबल होता है माइट्रल वॉल, उस एरिया को पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स भी बोलते हैं। और हमने इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका सिग्निफिकेंस देखा था कि कुछ अगर मीडियास्टिनल शिफ्ट है तब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स शिफ्ट हो सकता है,
या इसके अलावा हार्ट के रिलेटेड भी अगर कार्डियोमायोपैथीज है, स्पेशली हाइपरट्रॉफीड है हार्ट, कार्डियोमेगाली है, तब भी अपेक्स इंपल्स जो होती है यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स, वो शिफ्ट हो सकता है, अपेक्स भी शिफ्ट हो सकती है। तो हमने देखा aortic pulmonary अर्ब्स पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ अपेक्स एंड बेस, ओके, देन जस्ट बिलो अर्ब्स पॉइंट देयर इज ट्राइकस्पिड एरिया इन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, एंड देन माइट्रल एरिया इन मिड क्लेविकुलर लाइन इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। आर यू गेटिंग? सो हियर इट इज योर बेस ऑफ द हार्ट एंड हियर इट इज अपेक्स ऑफ द हार्ट, ओके। सो व्हेन आई एम ऑस्कल्टेटिंग ओवर हियर, व्हाट आई वांट टू सी इज व्हाट, वेयर आई कैन सी S1 बेटा एंड वेयर आई कैन सी S2 बेटा, ओके। जब मैं S1 की बात करता हूं, है ना, इट इज मेड ड्यू टू क्लोजर ऑफ विच वॉल्स, इट इज मेड ड्यू टू से आई एम सेइंग टू वॉल्स हियर, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्स, दो वॉल्स है, इनका जब क्लोजर होगा साइमल्टेनियसली होता है, से दिस इज ट्राइकस्पिड, दिस इज माइट्रल, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल आर क्लोजिंग साइमल्टेनियसली मेकिंग विच साउंड S1, सो S1 विल बी बेस्ट हर्ड ऑन अपेक्स एरिया, ओके, ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल, वेयर एज S2 इज मेड बाय क्लोजर ऑफ aortic and pulmonic wall, S2, aortic and pulmonic, say this is aortic and this is second one is pulmonic, so this is S2, है ना? Similar means जब मैं बात कर रहा हूँ इन walls की, तो aortic या mitral हो या aortic या pulmonic हो या tricuspid या mitral हो, ये close synchronously होते हैं, simultaneously होते हैं। तो जब tricuspid और mitral wall close होगा तो साथ में होगा, ये दो वॉल क्लोज होंगे तो साथ में होंगे, जिससे जो साउंड बनेगा वो S1 होगा, और aortic और pulmonic वॉल जब क्लोज होगा तो साथ में होगा, जिससे जो साउंड बनेगा वो होगा आपका S2 होगा। तो जब मैं ऑस्कल्टेट करूंगा, से आई एम पुटिंग स्टेथोस्कोप, ओके, आई एम गोना ऑस्कल्टेट विथ डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, फर्स्ट आई विल यूज डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, यू नो वेल दैट डायफ्राम जो होता है वो हाई पिच्ड साउंड को अच्छे से पकड़ लेता है, है ना? तो जितने हाई पिच साउंड्स है लाइक S1 S2 आर हाई पिच साउंड्स, वो साउंड्स को पकड़ लेगा। इसके अलावा aortic या pulmonic regurgitation के साउंड्स है, उनको भी डायफ्राम से मैं पकड़ सकता हूं, है ना? तो मैं सारे एरियाज को पहले डायफ्राम से ऑस्कल्टेट करूंगा, उसके बाद मैं बेल से भी ऑस्कल्टेट करूंगा, दिस पार्ट इज बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। ये जो बेल पोर्शन होता है ये लो पिच साउंड्स को पकड़ता है। तो लो पिच साउंड्स मतलब क्या, जैसे मैंने बोला S3 S4 कुछ एडिशनल साउंड्स होते हैं जो लो पिच्ड होते हैं, उनको पकड़ना है तो मुझे बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ मर्मर्स होते हैं जो लो पिच होते हैं, लाइक माइट्रल स्टेनोसिस का कुछ मर्मर रहेगा जो लो पिच रहने वाला है, तो इस तरीके के लो पिच साउंड सुनने के लिए मुझे बेल का यूज करना है। तो ऑस्कल्टेशन की शुरुआत करते समय मैं पहले डायफ्राम का यूज करूंगा, इन सारे एनाटॉमिकल एरियाज को पहले डायफ्राम से ऑस्कल्टेट करूंगा, और उन्हीं एरियाज को बाद में मैं बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करूंगा। तो जब मैं डायफ्राम से ऑस्कल्टेट कर रहा हूं, I am auscultating on aortic wall now, aortic area now. So when I am auscultating over here, मुझे यहां पर S1, S2 दोनों सुनाई देंगे। S1, S2 हर जगह सुनाई आएंगे। लबडब, 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 लबडब। But aortic और pulmonic area, यानी base of the heart पे कौन सा sound louder रहना चाहिए? क्योंकि aortic और pulmonic wall जब close होते हैं, तब कौन सा sound बनता है? तो it is S2, है ना? तो भैया S2 should be louder over here, aortic और pulmonic में simultaneous closing होगी और यहां S2 ज्यादा louder रहेगा, तो लब डब यानी डब will be louder here, okay? So similarly when I am moving to tricuspid and mitral area like this, I am moving here, I am auscultating on tricuspid and I am auscultating on mitral area, तो यहां पर कौन सा साउंड लाउडर होना चाहिए? बिकॉज ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल जब क्लोज होते हैं साइमल्टेनियसली, तो उनसे होने वाला साउंड यानी S1 होता है। तो इस एरिया में जो साउंड लाउडर होगा वो S1 होगा। अगर इसके बाद भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो S1 S2 के बीच में, है ना, जो कि लबडब 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 बहुत फास्ट होता है, सो आपको मैं कुछ हिंट देता हूं स्पेशली S1 को किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाओ। तो जब मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स यानी कि मेरे अपेक्स बिट का एरिया यानी मेरे माइट्रल एरिया के ऊपर जब ऑस्कल्टेट कर रहा हूं, यहां लिसन कर रहा हूं, उसी वक्त मैं नेक्स्ट सेकंड हैंड से अगर कैरोटिड पल्स को फील करूं, आई एम फीलिंग कैरोटिड पल्स एट द सेम टाइम आई एम ऑस्कल्टेटिंग ओवर माइट्रल एरिया दैट इज अपेक्स, सो जो साउंड मुझे
ड्यूरिंग फील ऑफ कैरोटिड पल्स साइमल्टेनियसली सुनाई आया वो एस वन रहेगा, यानी कैरोटिड पल्स जहां पालपेट हो, जिस वक्त पालपेट हो उसी वक्त मुझे जो साउंड सुनाई है वो एस वन रहेगा, है ना। तो ये लब डब में से डिस्टिंग्विश करना ये भी बहुत जरूरी होता है। लब डब बोल तो देते हैं लेकिन जब डिस्टिंग्विश करने की बारी आती है तब ये इतने रैपिड सक्सेशन में और एक जैसे लगते हैं कि हमें नहीं पता चलता लब डब लब डब लब डब। सो विच वन इज एस वन एंड विच वन इज एस टू, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें ऑस्कल्टेट करते समय ये टिप्स का हम यूज कर सकते हैं। आई कैन पुट माई हैंड ऑन कैरोटिड वन हैंड, आई कैन लिसन टू द अपेक्स विथ स्टेथोस्कोप लाइक दिस एंड दिस एस वन एंड दिस फीलिंग ऑफ द कैरोटिड पल्स विल बी साइमल्टेनियस। ओके, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा बीआईए एस वन है ना। सेकंड, अगर पेशेंट को मॉनिटर लगा रहा, अगर किसी पेशेंट को मॉनिटर अटैच्ड है तो आप जब मॉनिटर पे देखते हो कोई पेशेंट बेड साइड मॉनिटर पे है तो मॉनिटर पे उसके QRS ECG वेव्स आते रहते हैं। तो जो R वेव होती है, QRS एक्टिविटी आती है, R वेव्स होती है जो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी आती है ना, उस एक्टिविटी को देखो और साथ में अपेक्स को ऑस्कल्टेट करो, है ना। अगर आर वेव की एक्टिविटी दिख रही है QRS एंड द सेम टाइम आर वेव जब आ रही है उसी वक्त जो साउंड सुनाई आता है वो एस वन रहेगा। समझो ये चीज। सो दीज आर सम टिप्स कि भैया अगर आपको कंफ्यूजन हो एस वन एस टू जो नॉर्मल साउंड्स होते हैं, हार्ट साउंड्स होते हैं, उन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करना है, तो आपको ये कुछ टिप्स है जो मदद करेगी कि एक तो कैरोटिड को पल्पेट करो, एट द सेम टाइम जो आवाज आपको सुनाई माइट्रल यानी अपेक्स एरिया में आए दैट इज एस वन, जो उसी वक्त आए जब कैरोटिड आपको फील हो रही है ना। या अगर मॉनिटर पे कोई पेशेंट है तो जब QRS कॉम्प्लेक्स यानी आर वेव जब आती है उसी वक्त जो आवाज आपको साइमल्टेनियसली सुनाई है वो आपका एस वन रहेगा। तो एस वन एस टू हर जगह सुनाई आ रहा है, लब डब विल बी एवरीवेयर, बट ऑन बेस एस टू विल बी व्हाट, एस टू विल बी प्रोमिनेंट एंड लाउडर, वेर एज ऑन अपेक्स दैट इज ऑन द एरिया ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल एरिया कौन सा साउंड रहेगा जो लाउडर रहेगा, इट विल बी एस वन। समझ गए। तो इस तरीके से S1 S2 को हमें डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। इसके बाद एक और फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। अब जो S2 बना होता है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, ये S2 बना है aortic और pulmonary component से, this is aortic, this is pulmonary, aortic pulmonary। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली क्लोज होंगे तो हमारा S2 सुनाई आता था, लेकिन जब मैं पेशेंट को डीप इंस्पिरेशन यानी लंबी सांस लेने लगाता हूं तो क्या होता है कि लंबी सांस लेने पे हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर और ज्यादा निगेटिव होने लग जाता है ना। निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर यानी प्रेशर कम हो रहा है, निगेटिव होता है ना, जैसे सक्शन प्रेशर होता है भाई या वैक्यूम क्रिएट होना, अंदर मैंने सांस ले ली तो एक्चुअली क्या हुआ, निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बना जिससे राइट साइड ऑफ द हार्ट को वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, यानी जो ब्लड मेरे राइट एट्रियम में आएगा सुपेरियर वेना कावा या इंफेरियर वेना कावा से ज्यादा आएगा, वेनस रिटर्न बढ़ गया मतलब मेरे राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड जाएगा, करेक्ट है। सो ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज्यादा ब्लड फिल हो जाएगा तो पंप करने में राइट साइड के ब्लड को पंप करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो aortic वॉल जब क्लोज होगा कब, जब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल पंप करेगा तो aortic वॉल तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन राइट वाले वेंट्रिकल में ज्यादा अमाउंट में ब्लड है तो पल्मोनरी वॉल का क्लोजर थोड़ा डिलेड हो जाएगा। सो ये जो एक साथ होने वाली एक्टिविटी है ये पहले aortic क्लोज होकर उसके बाद पल्मोनरी हो रहा है, तो ये स्प्लिट हो गया एक तरीके से, ये साउंड स्प्लिट जो एक साथ होने वाला था S2 यानी डब वो अब डडब 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 डडब। सो दिस विल बी ऑडिबल एज लब, अगर नॉर्मल है इस डीप इंस्पिरेशन की बात ना करें तो लब डब ये नॉर्मल था, लेकिन जब मैं पेशेंट को लंबी सांस लेने लगाता हूं और इस एरिया के आप लंबी सांस लीजिए और इस एरिया पे मैं ऑस्कल्टेट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो S2 है जो कि यहां लाउडर सुनाई आता है डब, इस डब की स्प्लिटिंग डडब करके हो सकती है जो कि फिजियोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि डीप इंस्पिरेशन में निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बन गया है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ S2 ये भी आपको डीप इंस्पिरेशन में पता होना चाहिए। तो S1 S2 पहचानना कैसे, कहां ऑस्कल्टेट करना है, एनाटॉमिकल साइट्स क्या है उसकी, है ना, ये हमने देखा। इसके बाद एडिशनल साउंड मैंने बोला था S3 और S4, ये क्या होते हैं? तो S3 जो साउंड होता है, अगर आपको कार्डियक साइकिल पता है तो ठीक है, अदरवाइज कार्डियक साइकिल आप हमारे
YouTube चैनल पे कार्डियक साइकिल का एक टॉपिक है जिसमें जाके आप देख सकते हो। तो कार्डियक साइकिल में एक फेज होती है जब हार्ट डायस्टोल में होगा, जब हार्ट रिलैक्स होता है, शुरुआत होती है, तब जो ब्लड मेरे एट्रियम में जमा हो चुका है ना, वेन्स के थ्रू आया राइट साइड में, पल्मोनरी वेन्स से आया हमारे लेफ्ट साइड में, तो भैया ये एट्रियम में जमा ब्लड जो होता है इसके प्रेशर के कारण जैसे डायस्टोल की शुरुआत होगी, ऑल द ब्लड विल गश इनटू वेंट्रिकल, पूरा ब्लड वेंट्रिकल में पूरे फोर्स से चले जाएगा क्योंकि पूरा भरा पड़ा है एट्रियम। जैसे रास्ता खुला, जैसे वॉल खुले, ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल जैसे खुले, वैसे डायस्टोल की शुरुआत में पूरा ब्लड तुरंत नीचे जाता है, जिसके कारण से इस रैपिड स्ट्रॉन्ग हाई फ्लो के कारण है ना, तो वो जो फेज ऑफ कार्डियक साइकिल है उसे कहते हैं रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं, है ना। इसके लिए आप कार्डियक साइकिल देखो, आपको ज्यादा डिटेल में समझेगा। तो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान जो हाई स्ट्रॉन्ग फ्लो ब्लड का होता है उससे एडिशनल साउंड यानी S3 सुनाई आ सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट में हाइपरट्रॉफिड लेफ्ट वेंट्रिकल है, या इसके अलावा HOCM कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे में जो वेंट्रिकुलर वॉल होती है वो बहुत ठीक होती है, वो टफ होती है, तो ऐसे में एट्रिया जब पंप करता है ब्लड, या एट्रिया से जब ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो इजीली नहीं आ पाता, क्योंकि वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है उसका इलास्टिसिटी कम हो चुकी है, वो टफ हो चुकी है। तो ऐसे में जो फ्लो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग यानी सेम कार्डियक साइकिल के दौरान जो फ्लो ब्लड का वेंट्रिकल के ऊपर होगा, उस फ्लो में एक आवाज प्रोड्यूस होगा जिसे S4 कहते हैं। तो S3 कब होगा? रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में, नॉर्मल हार्ट में होगा। वेयर एज S4 कब होगा? तो S4 जो होगा वो उसी रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में, लेकिन हाइपरट्रॉफिड हार्ट में होगा ड्यू टू हाई स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको S3 S4 सुनना है। तो S3 S4 सुनते कैसे वो देखते हैं, S3 S4 होते क्या है ये हमने देख लिया, S3 S4 को सुना कैसे जाता है वो हम देखेंगे। तो S3 S4 सुनने के लिए, क्योंकि S3 S4 लो पिच्ड होते हैं, तो मुझे बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप का यूज करना है। ठीक है, अब मैंने जब ऑस्कल्टेट पहले किया था S1 S2 के लिए, तब मैंने डायफ्राम का यूज किया था, आई यूज डायफ्राम, है ना, ऐसे डायफ्राम का यूज किया, और मैंने आपको बताया कि उसी तरीके से मैं बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप का यूज करके भी ऑस्कल्टेट करूंगा, क्योंकि लो पिच साउंड्स मुझे पकड़ने हैं, है ना। अब मैं जब S3 S4 की बात कर रहा हूं, तो S3 S4 को सुनने के लिए, है ना, जो कि मुझे ज्यादा अच्छे से अपेक्स में सुनाई आते हैं, S3 जो साउंड होता है वो S2 के बाद होता है, और S4 जो साउंड होता है वो S1 के पहले होता है, है ना। S3 इज आफ्टर S2 एंड S4 इज ऑडिबल बिफोर S1, ये ध्यान में रखो। तो इसके लिए मैं पेशेंट को थोड़ा लेटने के लिए बोलूंगा, थोड़ा ले जाइए, यू जस्ट फोकस ऑन यू। तो जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पेशेंट को मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे टिल्ट करूंगा, हल्का सा, थोड़ा सा हल्का, हाँ ऐसे थोड़ा और बस। तो लेफ्ट साइड पे हल्का टिल्ट होने के बाद क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो मैं जब पेशेंट को थोड़ा लेफ्ट पे करता हूं तो हार्ट हल्का सा लेफ्ट की तरफ पुश हो रहा है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ पुश हो रहा है। तो ऐसे में जब मैं इस एरिया को ऑस्कल्टेट मेरे बेल के साथ, स्टेथोस्कोप के बेल के साथ कर रहा हूं, अपेक्स को मैं ऑस्कल्टेट कर रहा हूं, क्योंकि अपेक्स इज पुशिंग टुवर्ड लेफ्ट नाउ बिकॉज ऑफ स्लाइट बेंडिंग टुवर्ड लेफ्ट। इस तरीके से जब मैं बेल से ऑस्कल्टेट कर रहा हूं मेरे अपेक्स को, हार्ट के अपेक्स को, है ना, तब मैं S3 और S4 को सुन सकता हूं। अब ये S3 S4 को मैंने जैसे बताया, S3 इज आफ्टर S2, है ना, तो कैसे सुनाई आएगा, इट विल बी ऑडिबल लाइक लब डब टप, लब डब टप, लब डब टप, so this tup, that is love dub tup, it is S3। और S4 सुनाई आएगा तो वो कैसे आएगा, क्योंकि S1 के पहले S4 होता है, तो it will be like tup love dub, tup love dub, tup love dub। तो इस तरीके से S3 और S4 आप सुन सकते हो। अगर पेशेंट में S3 S4 है तो उसे सुनने के लिए बेटर टू मेक पेशेंट लाई डाउन, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे उसे टर्न करवा देना, जिसके कारण हार्ट जो अपेक्स है हल्का सा पुश हो जाता है लेफ्ट साइड पे, और अपेक्स पे आप इन साउंड्स को, लो पिच साउंड्स को और अच्छे से सुन पाते हो। एंड टू लिसन दो साउंड यू यूज बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप एज आई टोल्ड यू। तो भैया इस तरीके से हम करते हैं। फिर मैं पेशेंट को बिठा दे रहा हूं, है ना, और एक मैं आपको पोजिशन बता रहा हूं जिसमें आप aortic और pulmonic walls को और अच्छे से सुन सकते हो।
तो जब पेशेंट बैठा हुआ है तब उसे हल्का आगे झुकने लगाना है, बस हल्का सा ऐसे आगे लीन फॉरवर्ड होने लगाना है, और उसे सांस पूरी बाहर छोड़ के रखने लगाना है थोड़ी देर के लिए। पहले लंबी सांस लेके बाहर छोड़ दो, पूरी सांस छोड़ के रुक जाओ 2 मिनट बस। तो ऐसे लंबी सांस बाहर छोड़ के लगाना है, और उसके बाद इस aortic और pulmonic एरिया के ऊपर आपको ऑस्कल्टेट करना है ना। छोड़ सकते हो, ले सकते हो सांस। तो ये aortic और pulmonic एरिया पे जब मैं ऑस्कल्टेट करूंगा इस पोजिशन में, तो जो बेस का ऑस्कल्टेशन है, इट इज वॉट इन बेटर वे आई कैन ऑस्कल्टेट, क्योंकि ये बेटर ऑन एनाटॉमिकल पोजिशन हो जाती है aortic और pulmonic ऑस्कल्टेशन के लिए। क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाना है, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड लीन होने लगाना है, और सांस छोड़ने लगाना है। जब पेशेंट सांस छोड़ देगा तब आप ऑस्कल्टेट करोगे। तो इससे क्या होता है कि इस बेटर एनाटॉमिकल पोजिशन के कारण aortic और pulmonic रिगर्जिटेशन के जो मर्मर्स होते हैं वो अच्छे से सुनाई दिए जा सकते हैं, लेकिन वो डायफ्राम से ही आप सुनोगे, है ना, डायफ्राम से, बिकॉज aortic और pulmonic रिगर्जिटेशन के जो मर्मर होते हैं वो हाई पिच होते हैं। तो भैया जब मैं डायफ्राम से ऑस्कल्टेट कर रहा हूं तब मुझे ये हाई पिच मर्मर, फॉर एग्जांपल aortic और pulmonic मर्मर मिल सकते हैं, या नॉर्मल साउंड S1 S2 भी मैं डायफ्राम से ही चेक करता हूं। खाली एडिशनल साउंड लाइक S3 S4 जैसे मैंने बताया अभी, पेशेंट को लिटा के हम लोग क्या करते हैं, अपेक्स के ऊपर ऑडिबल होते हैं वो, तो हम लोग तब बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमें पेशेंट को ऑस्कल्टेट करना है। नॉर्मल हार्ट साउंड के लिए हमें S1 S2 को डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए, उसके बाद एडिशनल साउंड्स लाइक S3 S4 बताते आने चाहिए, और अगर मर्मर्स है तो भैया मैं तो हाई पिच मर्मर भी देखना चाहता हूं तो डायफ्राम से भी करूंगा, और लो पिच मर्मर के लिए मैं बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप का भी यूज करूंगा। तो इस तरीके से हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं। अब लास्ट जिस जरूरत जो चीज को समझने की है आपको, वो ये है कि ये ग्रेड्स यानी इंटेंसिटीज भी होती है मर्मर की। तो इंटेंसिटीज यानी ग्रेड बनाया गया है, साउंड कितना ऑडिबल होता है थ्रू स्टेथोस्कोप, कितना इंटेंसिटी से मर्मर सुनाई आता है। कुछ मर्मर्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, सुनाई नहीं आते हैं, तो उन्हें ग्रेड 1 बोला जाता है, है ना। फेंट है, अगर सुनने में दिक्कत फिर भी है लेकिन थोड़ा फेंटली सुनाई दे रहा है, इट इज अगेन हार्ड बट फेंटली सुना, तो ग्रेड 2 बोला जाता है। ग्रेड 3 जो होता है वो थोड़ा लाउड होता है बट उसमें थ्रिल नहीं होती। थ्रिल का मतलब होता है जब मैं स्किन के ऊपर टच करता हूं तो जो मर्मर्स होते हैं वो मर्मर मैं फील कर सकता हूं, उसे थ्रिल कहते हैं। वो एबनॉर्मल जो साउंड है वो वाइब्रेशन उसका मेरे स्किन को यानी मेरे हाथ को अगर फील हो जाए तो उसे थ्रिल कहते हैं। तो ग्रेड 3 तक साउंड आ सकता है सुना स्टेथो से लेकिन थ्रिल नहीं होता। ग्रेड 4 बिकम लाउडर, ग्रेड 4, ग्रेड 5, इवन ग्रेड 6 इज लाउडेस्ट काइंड ऑफ मर्मर, जिसमें थ्रिल तो रहेगा, ग्रेड 4 से थ्रिल आना शुरू हो जाएगा। द लाउडेस्ट काइंड ऑफ मर्मर इज ग्रेड 6, जिसमें अगर मैं स्टेथोस्कोप अगर चेस्ट से थोड़ा उठा भी लू, ऐसे थोड़ा बाजू भी रख दू, फिर भी मुझे मर्मर सुनाई आ सकते हैं। इवन व्हेन दिस चेस्ट पीस इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द चेस्ट, दोस बर्बर कैन बी ऑडिबल। दीज आर द ग्रेड 6 मर्मर, लाउडेस्ट काइंड ऑफ मर्मर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मर्मर्स की ग्रेड्स भी की जाती है। तो मैं इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगर आपको मर्मर्स के बारे में और डिटेल चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा बिलो वीडियो, जिसमें आप मर्मर्स का हार्ट साउंड का एक कंप्लीट थ्योरेटिकल यानी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आज का पार्ट सिर्फ एग्जामिनेशन पे हम लोग फोकस कर रहे थे। तो इस वीडियो के साथ मैं कुछ मर्मर्स के साउंड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स मर्मर्स करते हैं, है ना, जैसे aortic रिगर्जिटेशन मैं aortic एरिया पे देख रहा हूं, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन पल्मोनरी एरिया पे देख रहा हूं, aortic स्टेनोसिस यहां, पल्मोनरी स्टेनोसिस यहां, है ना, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ऑन ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड एरिया, माइट्रल रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल एरिया। तो जब मैं इन एरियाज को ऑस्कल्टेट कर रहा हूं तो उस वक्त मुझे एबनॉर्मल जो मर्मर सुनाए आएंगे उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड कैसे होता है वो मैं ऑडियो क्लिप्स इसके साथ एम्बेड करूंगा। फॉर एग्जांपल जो aortic रिगर्जिटेशन के मर्मर है, फॉर एग्जांपल जो कि मैं डायफ्राम से ऑस्कल्टेट करने में पता चल जाएंगे क्योंकि वो हाई पिच मर्मर होते हैं। मैंने कहा aortic पल्मोनरी रिगर्जिटेशन के मर्मर हाई पिच मर्मर होते हैं। तो aortic रिगर्जिटेशन हो या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन हो, इनमें जो मर्मर्स होते हैं ये क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो कैरेक्टर कहते हैं। क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो का मतलब होता है इजेक्टिंग टाइप ऑफ मर्मर, है ना, यानी जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होकर नीचे आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है, तो इनिशियली साउंड बढ़ता है फिर कम होता है। सो दीज आर क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो काइंड ऑफ मर्मर। इसके अलावा aortic स्टेनोसिस का जो मर्मर होता है ना,
जैसे aortic regurgitation में crescendo decrescendo है, aortic stenosis में decrescendo यानी blowing type का मर्म होता है, है ना। तो ये blowing मर्म मतलब जैसे किसी चीज में एयर पुट कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो, सो दिस इज मीन्स इनिशियल इंटेंसिटी इज हाई विच इज गोइंग डाउन, डीक्रिसेंडो यानी इनिशियल इंटेंसिटी इज हाई विच इज डिक्रीजिंग, है ना। माइट्रल स्टेनोसिस है तो उसमें एक ओपनिंग स्नैप मिलती है ना, S2 के बाद यानी S1 के पहले एक ओपनिंग साउंड स्नैप मिलती है, एक एक्स्ट्रा साउंड सुनाई आता है जिसे ओपनिंग स्नैप कहते हैं माइट्रल स्टेनोसिस में। माइट्रल रिगर्जिटेशन में हम देखेंगे कि किस तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है, पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं जिसे हम ड्यूरिंग सिस्टोल, S1 और S2 के बीच में जो सिस्टोल का है साउंड होता है ना, पैन सिस्टोलिक। तो इन साउंड्स के बारे में ज्यादा देखने के लिए आप उस लिंक पे जा सकते हो, मैं ऑडियो कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स मर्मर्स के क्या होते हैं वो एंक्लोज कर दूंगा। तो हमने देखा कैसे एनाटॉमिकल साइट्स को ऑस्कल्टेट करके मैं एस वन एस टू इसके अलावा एस थ्री एस फोर को है ना लब डब टप एस थ्री टप लब डब एस फोर को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इसके अलावा डायफ्राम से भी ऑस्कल्टेट करके मैं हाई पिच्ड मर्मर या S1 S2 जैसे साउंड और बेल से ऑस्कल्टेट करके मैं लो पिच मर्मर या S3 S4 जैसे साउंड्स को सुन सकता हूं, ऑस्कल्टेट कर सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हार्ट साउंड्स ऑस्कल्टेशन, थैंक यू वेरी मच। Thank you.